Now let's start with the illustrative problems. अब जो हम chemical calculation part 1 कर रहे हैं उसका section 1, the definition of moles and the definition of gram atoms is related. अब हम कुछ problems solve करके देखते हैं. Section 1 में we have got a total of 17 problems in the problem for practice part. As I told you, every third problem would be solved by me. मैं 3N plus 1 यह सारे problems मैं कर डालता हूं. यह जो PFP section के हैं 3N plus 1 से, what do I mean? I will solve fixed numbered problem, that is 1, 4, 7, 10, 13, 16. यह 6 सवाल, 17 सवालों में से यह 6 सवाल मैं करूंगा क्लास में और इससे इन सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा और बाकी के 11 सवाल आपको करना. बाकी के 11 सवाल कर आपको करके यह देखना है कि क्या आपको समझ में आ गया, आर यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट. ठीक है ना, यही चीज हम सारे सेक्शंस में इसी तरह से करेंगे. अब एक और बात, जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स को पढ़ रहा हूं साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स को आप भी पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है यह देखेंगे, उसी समय आप भी दिमाग लगाएंगे और फिर जो मैं समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनकर उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और आंसर लाके फिर आगे बढ़ते जाएंगे. जैसे द प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट एनटीपी. 5.6 लीटर्स ऑफ गैस, 5.6 लीटर्स ऑफ गैस है एंड दे हैड आस्क्ड नंबर ऑफ एटम्स. 5.6 लीटर्स ऑफ गैस में नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं. केस 1 मोनो एटॉमिक गैस, केस 2 डाई एटॉमिक गैस. इफ मोनो एटॉमिक एंड केस 2 इफ डाई एटॉमिक गैस. अब देखिए, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व the application of Avogadro's hypothesis for gases. जो Avogadro's hypothesis of gases है वह concept involve होएगा इधर. कैसे जरा समझिए, 22.4 liters of gas at NTP, 5.6 liters of gas at NTP दे रखा है इन्हें बिल्कुल साफ. We know that 22.4 liters of gas at NTP is termed as 1 mole of gas, or 1 liter of gas would be termed as 1 liter of gas at NTP would be 1 by 22.4 liters and 5.6 liters of gas would be called 5.6 upon 22.4 moles. हम कहते हैं, this is the concept. मैं concept part को जो है वह colored form में लिखता हूं. Volume in liters at NTP upon 22.4 liters is number of moles. सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं और इधर मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं. हियर द नंबर ऑफ मोल्स वुड बी, नंबर ऑफ एटम्स तो हमसे पूछे हुए हैं, मैं इधर नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5.6 लीटर्स गैस के हैं एनटीपी पर अपॉन
22.4 लीटर्स। तो बिल्कुल साफ मुझे देखने लगा दैट नंबर ऑफ मोल्स इज 5.6 अपॉन 22.4, दैट इज 1/4 मोल्स। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हुए। अब नंबर ऑफ एटम्स, वन मोल कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स एंड एन मोल्स कंटेन एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अगला कंसेप्ट जो मैं लगा रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मोल में टू मोल कंटेन टू इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थ्री मोल कंटेन थ्री इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एन मोल्स वुड कंटेन एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एन इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं इधर से यह बात लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10^23। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमसे पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स। अब इन अ मोनो एटॉमिक गैस वन मॉलिक्यूल वुड कंटेन वन एटम, हियर वन मॉलिक्यूल वुड कंटेन वन एटम। वन मॉलिक्यूल इज वन एटम फॉर मोनो एटॉमिक। तो जितने आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उतने ही एटम कहे जाएंगे। सो दिस मच मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10^23 एटम्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। अब हम डायएटॉमिक गैस की बात करें। ये मोनो एटॉमिक गैस के एग्जांपल्स क्या हुए? मोनो एटॉमिक गैस के एग्जांपल हुए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दिस आर ज़ीनॉन, दिस आर मोनो एटॉमिक गैस। यह गैसेस मोनो एटॉमिक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एटॉमिक? मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिस गैस के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, ऐसी गैस को हम मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। हीलियम जो इनर्ट गैसेस होती है वो मोनो एटॉमिक होती है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, आर्गन, दिस आर मोनो एटॉमिक गैस। बिसाइड इट मर्क्यूरी वेपर्स, मर्क्यूरी वेपर्स भी मोनो एटॉमिक होती है। मर्क्यूरी जो सॉलिड होता है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर यदि होगा तो सॉलिड होएगा, ये हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज होता है। और हाई टेम्परेचर पर जब यह वेपोराइज होता है तो इसके वेपर्स भी मोनो एटॉमिक होते हैं। मर्क्यूरी वेपर्स में एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम वेपर्स, सोडियम भी हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज होता है और जब सोडियम हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाएगा तो वह मोनो एटॉमिक बनाएगा, उसके भी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा। नाउ इफ वी हैव गॉट डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दिस आर डायएटॉमिक गैसेस। अब डायएटॉमिक गैस की क्या खास बात है? वन एटम और वन मॉलिक्यूल वुड कंटेन, वन मॉलिक्यूल वुड कंटेन टू एटम्स। इनके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे, इनके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे। अब